अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, नज़रें रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। मैं आज बना रही हूँ जी ये कपकेक बुके। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और मज़े की बात ये है कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई उसकी सबा की। तो ना सबा की बार बार मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप ये कपकेक बुके सिखा दें। मैं कहा अच्छा सिखा दूँगी। और कल तो इतना तड़कता भड़कता मैसेज आया कि आप ही, अगर मेरा ऑर्डर ना हुआ ना सही तो उसकी आप वजह होगी ना, मेरा ऑर्डर ख़राब हुआ तो उसकी वजह आप होगी। और मैं इतना हंसी मैसेज पढ़ के, मैंने कहा दीदी यार इतनी धमकियाँ मुझे मिल रही हैं, जैसे कि ना ये मुझे पे करते हैं कि हमें सिखाती क्यों नहीं तुम टीचर। लेकिन खैर इट्स ओके, ये मान की बात होती है। आप लोग मेरे पे इतना मान करते हो तो मेरा भी दिल करता है चलो मैं सिखा दूँ। अब इसका मकसद ये है नहीं हर बंदा ही मुझे इनबॉक्स में धमकी दे रहा हो कि मैं सिखाऊँ, नहीं तो भाई फिर हमारा ऑर्डर मिस हुआ ना तो उसकी रीज़न आप होगे। अच्छा जनाब, सारी बातें छोड़े, ज़रा काम के ऊपर आ जाते हैं हम। ये देखें जी, ये आम तौर पर मैंने आपको सिखाने के लिए बुके बनाए, ये ऑर्डर का नहीं है, देख लें मेरी एफर्ट ठीक है। हालांकि ऑर्डर आया था मैंने लिया नहीं, मैं क्या इतनी एफर्ट मैं क्या करूँ छोड़ो। लेकिन आप लोगों को सिखा रही हूँ। ये देखें, ये ना घर में मेरे अक्सर पड़े होते हैं, हम आपको पता है पिकनिक पे काफ़ी जाते हैं, तो ये इस तरह की डिस्पोजेबल कप्स हैं ठीक है। इनका डायमीटर जो है ऊपर से 3 इंच है, ओके 3 कह रहे हो 2.5 इंच है इस तरह से। अच्छा, आपने ना जो ऑर्डर का बनाना है ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेना है, ट्रांसपेरेंट लिड ग्लासेस लेने हैं। आम मिल जाते हैं आपको जहाँ से मिलते हैं, थर्मोपोल की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे। ट्रांसपेरेंट वाले आपने प्लास्टिक के लेने हैं कप्स ठीक है। आप 6 कप 7 कप बना लो, 10 कप बना लो, अभी मैंने छोटा बनाया। आपने इस तरह से ना नीचे 6 इंच का केक बोर्ड रखना है। ये तो मैंने 8 इंच का रखा था एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन नीचे मैंने 6 इंच का रखा था ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो ये वाले जो पेपर्स होते हैं ना, इनको क्रेप पेपर भी कहते हैं, ये आम मिल जाते हैं स्टेशनरी शॉप से ठीक है। आपने ना इस तरह से, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक तरीका वो होता है कि थर्मोपोल बॉल लेके उसके ऊपर वो होते हैं ना शास्टिक स्टिक्स लगा के उस तरह से करते हैं, तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस था, मैंने कहा ज़रा आसान तरीका सिखाती हूँ ठीक है। अब ये देखें, आपने ना इस तरह से 5x5 का स्क्वायर वाला पीसे काट लेना, कि आपने देख लेना कि भाई कपकेक्स के नीचे आराम से आ रहा है। अच्छा, जो मैंने परसों कपकेक्स बनाए थे वो ऑर्डर के थे, वो स्कूल भेजने थे मैंने, मेरी क्लाइंट है उनके बेटे के स्कूल में एक्टिविटी थी कपकेक की डेकोरेशन की, तो उन्होंने खाली कपकेक्स मेरे से 12 बनवाए थे, तो मैंने उनको भेज दिए थे विदाउट डेकोरेशन। उन्होंने क्रीम वगैरह स्कूल वालों ने प्रोवाइड की थी ठीक है। तो फिर मैंने ये वाले नए बनाए, इमेजिन करो इतनी सख्त गर्मी में तंदूरी चिकन बन के मैंने आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे सबा, आप मेरे लिए दुआ कर देना ज़रा कि ना लाहौर में ज़रा मौसम अच्छा हो जाए, ये दुआ कर देना। अच्छा जी, आपने इस तरह कोई वजनी चीज़ रख देनी है, मेरा ये डेकोरेशन बड़ा होता मैंने ये उठा के रख दिया, आपने इस तरह से रख के और साइडों से ना टेप लगानी है। बस आपका ये अपना तरीक़ेकार है, जिस तरह मर्जी आप इसको साइडों से कवर करो, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की, ये मैं आपको आइडिया के तौर पर सिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से सारा काम करना है। आप इसको ट्रे को निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन ना जो 6 इंच का बोर्ड आप नीचे रखोगे ना उससे ज़रा स्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, मैं थोड़ी सी कंजूसी कर रही थी, क्रेप पेपर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी, मैंने इस तरह से ना ये दूसरा पेपर था वो लगा दिया। मैं कहा चलो आपको आइडिया ही देना ना, लेकिन बाद में मुझे लगा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तस्वीरों में, फिर मैंने खैर उसको चेंज कर दिया ठीक है। चलें जनाब, ये हमारा हो गया जी सारा सेट, साइडों पे भी मैंने टेप लगा दी, उसके ऊपर लगती है बो टाई ठीक है। वो बो टाई मेरे पास थी नहीं, वो तो आपको पता ही होगा कि कपकेक बॉक्स जो बनते हैं उसके ऊपर हम लगाते हैं, सही हो गया। अच्छा जी, सारा साथ साथ हम बातें भी कर लेते हैं थोड़ी सी। हमें आया था जी अनीता कुमार का बहुत प्यारा मैसेज, शीतल का बहुत प्यारा मैसेज था, लुबना फिरदौस गिल का बहुत प्यारा मैसेज था। उन्होंने कहा आप ही मेरा नाम नहीं आप लेती लुबना, कसम से मैं लेती हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा जी, आयत राशिद ने कहा आप ही मेरा नाम नहीं लेती आयत, हाँ सच्ची बात है, मैंने आज ही मैसेज पढ़ा है इसलिए मैं ले नहीं पाई पहले, अब मैं ले रही हूँ। बहुत सारा प्यार आपको मेरी तरफ से। अच्छा ये देखें, आज मुझे आयशा बहुत याद आई, आयशा मेरी फूफो, वो इस वजह से कि मुझे रैपिंग करनी नहीं आती, मुझे कॉपीज़ के कवर चढ़ाने नहीं आते, मैंने कभी नहीं चढ़ाए। मैं तो बस ना होता था ना स्कूल का कोई काम है या कॉलेज का कोई है तो आयशा कर दे, मेरी फ्रेंड की कोई बर्थडे आयशा गिफ्ट पैक कर दे, वही करती थी। तो वो होती ना तो उसने इतना प्यारा पैक करना था, मैंने तो इस कदर गंदा पैक किया ना जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे वाला मोल्ड है असद की मामा ना ही था, आपको क्यों नहीं पता चल रहा था, मैंने कहा चले मैं आपको ये मोल्ड दिखा देती हूँ ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए हमारे ये कपकेक्स हैं ठीक हो गया, ये मैंने दोबारा से बेक किया थे, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट गनाश बची हुई डाली थी, मैंने कहा बच्चों ने मैंने ही खाने हैं, चलो कोई नहीं खैर है आप लोगों को सिखा दूँ मैं। ये रेसिपी वही है
एक अंडे से 12 कप केक्स बनते हैं जो उनसे, वो वाली ठीक है। अच्छा जी, अब ये कौन सी हमारे पास नोज़ल आ गई है, अब तो आपको पूरी पहचान हो गई है ना, ये वो है लीफ नोज़ल, ठीक है ना, ये वो है जिससे हम ये सनफ्लावर बना रहे हैं। और अगर किसी को कोई नया है मेरे चैनल पे उसको नहीं पता इस बारे में, तो उन्होंने, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नोज़ल वर्क का सारा, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक हो गया। ओके अच्छा जी, रुबीना रेहान का बहुत प्यारा मैसेज था, इमाम असलार का बहुत प्यारा मैसेज था, रीबा राजपूत का, सोबी नवाज का तो हमेशा ही होता है, उसवा सईद का, हाय आई एम उज़ैर, इन्होंने भी कहा कि आप मेरा नाम नहीं लेती। अच्छा मज़े की बात है, आप लोग अपना नाम क्यों मेंशन नहीं करती गर्ल्स, क्या वजह है, आपको अपने नाम नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद, हालांकि मुझे अपना नाम नहीं पसंद, लेकिन मैं कितनी दफ़ा लेती हूँ, 10 दफ़ा कहती हूँ नादिया तनवीर, आप क्यों नहीं कहती? अच्छा, हमेशा आपके भाइयों के, आपके अब्बू वगैरह के ना आईडी से मुझे मैसेजेस आते हैं, तो ना प्लीज़ ज़रा अपना नाम भी मेंशन किया करें। अच्छा ये देखें, एक छोटा सा ट्रिक, आपने थोड़ा सा जो कपकेक का वो चूरा सा बचा हो ना, उसको आपने सेंटर में लगा देना है, तो हमारा ये इतना प्यारा सा सनफ्लावर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अरीजे डेरी कलेक्शन का बहुत प्यारा मैसेज था, सलमान जफ़र का बहुत प्यारा मैसेज था, अनम तारिक का, मिसेस शहरियार का, सारा, इंसिया, हुजैफा वर्ल्ड, इनका बहुत प्यारा मैसेज था। अच्छा, मेरी एक बहुत प्यारी क्लाइंट है, उनकी बेटी का नाम भी इंसिया है, मैंने उनका नाम, ये वाला नाम सबसे पहले उनका ही सुना था, इंसिया। अच्छा जी, अब ये देख लें जनाब, आपने देखा कि मैंने कपकेक के ऊपर ये क्रीम क्यों लगाई है, कपकेक के ऊपर क्रीम इसलिए लगाई है कि जब हम क्रीम लगाते हैं ना, तो वो ज़रा अच्छी पकड़ आती है नोज़ल से, जब आप कोई चीज़ पाइप करते हो ना, फ़ौरन क्रीम उससे चिपक जाती है, वरना वो एकदम से उखड़ जाती है। अच्छा जी, ये कौन सी टिप थी हमारी, ये हमारी टिप है हाफ मून टिप, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया भी था, सिखाया भी था उस दिन, उसका लिंक मैं डाल दूंगी वीडियो में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने ना आपको सिखाने के लिए सुने सारे काम किए हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कपकेक बुके किस तरह बनता है। अच्छा अब ये देखें, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा, अच्छा ये कपकेक डेकोरेशन इतना कोई लंबा काम है, बहुत लंबा काम है भाई, आप जितना मर्ज़ी चाहो। अच्छा, मैं विप क्रीम की बना रही थी, लेकिन अक्सर लोग जो हैं बटर क्रीम से बनाते हैं, क्योंकि बटर क्रीम वाले जो होते हैं स्टेबल होते हैं, और वो ना इसके जो हम साइडों पे एक पेपर लगाते हैं उससे अटैच भी नहीं, चिपकता भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, अब हम ये वाला रोज़ पाइप कर रहे हैं, आपको पता ही है ये R18 वाला था, ये मैंने इसलिए वीडियो ज़रा तेज़ कर दिया कि हमने काफ़ी बार बना लिया, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ना कैमरे का एंगल ही नहीं सेट हो रहा था, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उफ। अच्छा जनाब, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो आपने क्या दुआ मांगनी है, आपने दुआ मांगनी है या अल्लाह लाहौर का मौसम अच्छा हो जाए, थोड़ा सा बेहतर हो जाए, कोई कड़कती बड़कती बारिश हो जाए, इतनी गर्मी, और बिलीव करें मैं गर्मियों में कोई काम नहीं करती, और मैं गर्मियों में ऑर्डर्स भी नहीं लेती, ये बिलीव करें आप, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का प्यार है कि मैं ये कंटिन्यू करती हूँ। आपको या आप मेरी पिछले साल की वीडियो देखें ना, मैंने मार्च में सिर्फ वीडियोस डाली थी, उसके बाद मैं गायब हो गई थी, फिर मैं अक्टूबर में वापस आई थी, लेकिन अब इस दफ़ा नहीं मैं गायब हो पा रही, मैं कह रही हूँ नहीं यार चलो, एक कमिटमेंट होती है। अच्छा, ये डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है, ये सब गर्ल्स आप लोगों ने अपने कपकेक्स पे बनाना है, ठीक है। नीचे मैंने थोड़ा सा ग्रीन लगा दिया, ताकि ज़रा जब हम इसके छोटे छोटे लीव्स बनाएंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। अब आप ये देख रहे हो ना, ये R18 क्या ये प्योनी वाला है जो कर्वी होता है, ठीक है, उसके साथ मैंने ये बनाया है, मैंने नोज़ल वगैरह सब कुछ आपको दिखाई हुई है, आप मेरी परसों की वीडियो देखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मैं बार बार कह रही हूँ। ओके अच्छा जी, नाम मैंने ना इन ड्राइव पे किस तरह से मैं अपने केक भेजती हूँ, मैं उसकी तस्वीर ना जैसी वीडियो अपलोड होगी मैं कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दूँगी। आप लोगों की डिलीवरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ना, कि आपकी हम कैसे केक डिलीवर कराएँ, क्या मसले मसाइल हैं, आपने कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट करना है, ठीक है, मैं वही कमेंट पढ़ूंगी जो कम्युनिटी पोस्ट के नीचे होंगे। और बाकी आपको ये बुके कैसा लगेगा वो तो आप मेरी पोस्ट के नीचे करोगे ना, इस वीडियो के नीचे, लेकिन जो डिलीवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे कम्युनिटी पोस्ट के नीचे। तो मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो छोटी सी है, जो मैंने येलो केक नहीं, मैंने कल क्रम कोट फाइनल प्लास्टर किया था, उसकी छोटी सी वीडियो है, तो वो दूसरे मोबाइल में थी तो उसका ना चार्जर नहीं मिल रहा था, वरना वो भी मैं आज डाल देती, लेकिन मैं कल वो डालूंगी, तो साथ साथ फिर मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए जनाब, लोग कहते हैं जी रशियन नोज़ल तो ना यूज़ ही नहीं होती विप क्रीम से, नो भाई हमारी तो हो जाती है, बस आपने विप क्रीम को बहुत अच्छा सा पाइप करना, अच्छे से ना विप क्रीम को आपने हार्ड करना होता है, और पाइपिंग बैग में इस तरह से आपने डाल के इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। और मैंने इसको, इसकी दूसरी वाली नोज़ल का भी यूज़ बताया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, आप लोग देख लेना। बस आपने ना प्यार प्यार से इसको यूज़ करना है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी,
अच्छा, ये इतने प्यारे बने थे, बहुत प्यारे बने थे। अब फिर से मैं ना थोड़ा सा थक भी गई थी, दिल तो कर रहा था दो चार चीज़ें और से खा दूँ, लेकिन नहीं भाई, गर्मी में मेरा बुरा हाल था। और ना पता है, क्रीम फ़ौरन से मेल्ट होके फटने लग जाती है। इसका ये वजह नहीं होती आपकी क्रीम ख़राब है, हमारे हाथों की जो गर्मी होती है ना, हमारा हाथ भी तो गर्म हो जाता है ना गर्मी से, तो हमने जो पाइपिंग बैग पकड़ा होता है ना, पाइपिंग बैग भी हमारा गर्म होकर फ़ौरन क्रीम को मेल्ट कर देता है। तो आपने क्या करना होता है, फ़ौरन उठा के स्पैचुलाज, रॉड, आपका क्रीम वाला बाउल, आपने जो पाइपिंग बैग है सब उठा के फ्रीज़र में रखना होता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जब आपने इस तरह का नोज़ल वर्क करना हो, ख़ास तौर पे गर्मियों में। अच्छा, मज़े की बात है, पूरी सर्दियां गुजर गई, मैंने ये सर्दियों में नहीं सिखाया काम, गर्मियों में जब वैसे क्रीम हाथ नहीं आ रही होती उसमें मैं आपको बुके सुखाने चल पड़ी। बस मेरा भी ना थोड़ा सा दिमाग ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा ही रहता है। अच्छा जी, अब ये वाली हमारी कौन सी नोज़ल है, सेम R18 है, उसको मैं इस तरह से घुमा घुमा के फ्लावर बना रही हूँ। अच्छा, बटर क्रीम करना, ये बड़े मज़े के बनते हैं, और मेरे हाथ देखें, ऐसा लग रहा है कपड़े रंगने वाले डायर के हाथ हैं, इतने ज़्यादा, इतने मैं हाथ धोती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे हाथ धोने की आदत है, लेकिन फिर मेरे हाथ जो है ना कहीं से वो बस रंग साज वाले हो जाते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा और मैंने बड़ी सारी बातें थी ग्रुप का, बहुत ज़्यादा लोग मेरे से कहते हैं नाते ग्रुप में मत आए, यकीन मानो मैं बहुत ज़ालम टीचर हूँ ग्रुप में, मैं इतने अच्छे से पेश नहीं आती जितनी मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि कहीं आपको लगे, हाँ लेकिन हेल्पिंग वाला तो सीन ऑन है। बस मेरा दिल करता है सब बहुत अच्छे बेकर बने, और सब अगर अब आपने अच्छा बुके ना बनाया ना, तो फिर देखना मुझे अच्छी सी ना पिक्चर आ जानी चाहिए मेरे इंस्टाग्राम में, देख लो आपकी खातिर मैंने इतना कष्ट उठाया है, इतनी मेहनत की अपने लिए, ज़िंदगी में मैंने इतनी मेहनत से कपकेक्स नहीं बनाए, मैं तो अपने बच्चों को हमेशा M1 वाले मुझे इतनी हँसी आ रही है, हमेशा M1 वाले उनको कपकेक्स खिलाए, मैंने तो कभी उनको ऐसे डिज़ाइन करके नहीं खिलाए। किंजा ट्यूशन से आई, कहती मम्मा ये ऑर्डर क्या है, मैं कहाँ, मैं कहा हाथ ना लगाना, तो कहती हाँ मम्मा कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, जब मैंने ना उसको प्लेट में रख के दिया, कहती मम्मा ये तो ऑर्डर कैसे, मैं कहा नहीं मैंने आपके लिए बनाया है, कहती मम्मा ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपने हमारे लिए क्यों ऐसे बनाए, उनको यकीन नहीं आया कि माँ ने क्यों ऐसे आज बना दिया हमारे लिए, इतना VIP प्रोटोकॉल हमें क्यों मिल गया। तो वो एक मीम बनी होती है ना कि बेकर्स लोग सोचते हैं कि बेकर्स के घर में तो बस फ्रिज खोलते होंगे तो अंदर से तो केक्स, तो कपकेक्स, तो ब्राउनीज, तो बस पता नहीं क्या क्या आइटम्स होती होंगी, लेकिन नहीं भाई, हमारे घरों में ऐसा कुछ नहीं होता, बच्ची कुछ ही चीज़ें ही पड़ी होती हैं। बल्कि कभी मेरा भाई आए ना घर विजिट करता है छोटा, तो आके फ्रिज खोल के कहेगा यार तू कुछ भी नहीं रखा है फ्रिज, तो कुछ तो रखा कर। मैंने कहा ले मैं कोई दुकान खोल के बैठी हूँ, मैं तो ऑर्डर में बनाती हूँ कपकेक्स, कहता है यार उसको लगता है मैं फ्रिज खोलूँगा ना तो नादिया बच्ची ने कुछ बनाया होगा, और नादिया बच्ची कुछ छोड़ती नहीं, खुद ही खा पी जाती है सारा कुछ। तो जनाब ये सारा सीन होता है, हर घर की यही कहानी है, बेकर्स की तो भाई ये कहानी है, हम तो हमेशा बची हुई चीज़ें खाते हैं, अपने लिए तो कभी अपनी बर्थडे पर या मैंने किसी और चीज़ के लिए कभी कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं किया। जी हाँ, तो जनाब ये देखे साथ साथ मैंने, अब ये मुझे इस कदर रंगीन किस्म का लग रहा था ना, ऐसे नीला शॉकिंग आंखों में लग रहा था, ये देखे कितने नीट बने हैं, लेकिन इनको उतारने चढ़ाने में ना दूसरे में तो मुझे लगा थोड़े से मैस हो गए थे, अभी देखो कितने खूबसूरत और नीट लग रहे थे। तो फिर जनाब मैंने कहा नहीं यार तस्वीरें भी उतारनी है, अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैंने ये सारा ऑल द वे ये सारे कागज़ फाड़े, उसके बाद फिर मैंने इसको इसके अंदर किया कि ज़रा नुमाया हो, ज़रा प्रोमिनेंट हो, फिर जनाब मैंने इसकी कहीं जाके तस्वीरें उतारी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि हमने इस बुके को किस में डिलीवर करना होता है नादिया आपी, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने 10x10x10 के बॉक्स में डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो मुझे खुद थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन मुझे मैंने अपनी फ्रेंड मरियम से पूछा, उसने कहा यार 10x10 में करते हैं, मैं कहा चल ठीक हो गया यार, ठीक हो गया। अब ये जनाब इतनी मेहनत किया तो अब खा भी तो लूँ ना थोड़ा सा, 9 बने थे तो मैंने कहा चलो यार खा लेती हूँ, 3 तो मैंने सुबह बच्चों को लंच में पहले ही दे दिए थे, और बाकी ये अब ये मैं थक हार के ना जैसे मजदूर मजदूरी के बाद रोटी खा रहा होता ना, फिर मैंने ये कपकेक्स खाए, और जनाब फिर मैंने बड़ा इंजॉय किया, फिर मैंने इतनी गर्मी में, कहते ना गर्मी शीशे को शीशा काटता है, फिर मैंने ऊपर जाकर चाय बनाई, मैंने कहा यार चाय पीते हैं, फिर चाय पीकर सुकून फिर भी ना आया, और ही पंबड़ बल गए, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ा मज़े के कपकेक्स थे। मैं कहा चले मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ, ये तो आप सबने तकरीबन ट्राई कर लिए, मैं बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको कपकेक बुके बनाने का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, सारे मजाक एक तरफ, लेकिन आप लोगों को मैंने बेस्ट बेकर बनाना है, कोई क्वेश्चन हो आपने इसी पोस्ट के नीचे करना है, और डिलीवरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो मैं इस पोस्ट के बाद जैसी कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगी तो आपने देख लेना। अब ये देखें मैंने गनाश फील की है, क्लाइंट के लिए ना मैं भर भर के गनाश डालती हूँ, अपने लिए देख रहे हैं मैंने कितनी टावा टावा डाली है।
मेरा बेटा कहता मम्मा आप बहुत ज़ालिम हो, आप हमसे प्यार नहीं करती। पता नहीं उन्हें प्यार का कौन सा पैमाना चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन खैर मैंने कहा देखो इतनी डेकोरेशन करके मैंने आप लोगों को कपकेक्स खिलाए हैं। कहते मम्मा जी नहीं, आपने यूट्यूब के लिए किया, हमारे लिए नहीं किया। मैं को चलो ठीक है, जो दिल करे समझो, मैंने तो बना दिए। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा खासुल खास लाहौर के मौसम के लिए ज़रूर दुआ करनी है, अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी आप ही अच्छी अच्छी आपको रेसिपी सिखाती रहे। ठीक है, चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सबा। ये वीडियो आपके लिए थी, उम्मीद है कि आपकी हेल्प हुई होगी। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी नई नई वीडियोस के साथ आऊँगी और आपके कंसेप्ट क्लियर करवाती जाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।